प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने लुधियाना नगर निगम के मेयर बलकार सिंह संधू और कमिश्नर समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। सेहत विभाग ने जनवरी से जुलाई तक कुल 629 सैंपल भरे थे। इनमें से 191 सैंपल का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। बुड्ढा के बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एनजीटी की सख्त हिदायतों के बाद खुद को बचाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने लुधियाना नगर निगम के मेयर बलकार सिंह संधू और कमिश्नर समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में मेयर और कमिश्नर सहित 6 अधिकारियों ने जमानत ले ली है। यह मामला वाटर एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया। जो पता लग गया वाटर एक्ट के अंदर क्रिमिनल पर्चा होया। कारपोरेशन के 6 अधिकारियों के उत्ते मामला कंप्लेंट फाइल की सी। कमिश्नर साहब, मेयर साहब, एडिशनल कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, SDO और XCN ये पेश हो गया, जमानत हो गई है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कंप्लेंट फाइल की है। सो हुण जिहड़ी अगे है, नैक्सट डेट 5 अक्तूबर पई है। तो यह जिहड़ी कंप्लेंट है बिल्कुल झूठी है, जिन्नी असीं पढ़ी है हुण तक ये बिल्कुल झूठी कंप्लेंट फाइल की है। इहनूं असीं सैशन कोर्ट दे विच अगे चैलेंज करांगे, रिवीजन फाइल करांगे इहदे खिलाफ़, और इहनूं कंप्लेंट नूं जिहड़ा है डिसमिस करावांगे। इहदे लई सारी जिम्मेवारी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। वो अपनी जिम्मेवारी तो भजन के लिए नगर निगम से जिम्मेवारी सिट रहे हैं। जी सो ये जो एलीगेशन लाए ने बिल्कुल झूठे लाए हुए हैं। हाँ जी, बेल मिल गई है जी, तो अगली 5 अक्तूबर डेट नहीं, उन्होंने वालों अज कोई तथ्य नहीं पेश किए, उन्होंने वालों कोई आया भी नहीं अच्छ कोर्ट के। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों कोई भी ना अफसर ना कोई उन्हों का वकील अच्छ कोई भी पेश नहीं है। ये कोई केस पहले 4 महीने हो गए फाइल किए, बट कारपोरेशन अज्ज के लिए ही समन किया।